हाई गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ कैसे आप लोग पाए हो वो अब सब बढ़िया हो गए ओके सो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एक लिक्विड हाईलाइटर का रिव्यू एंड दीज आर द स्टेक और का ग्लोइंग बॉस लेडी लिक्विड हाईलाइटर सो इस मेकअप मेकअपलोग में मैंने उसको यूज़ किया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू एंड कैसा है वो प्रोडक्ट सो गाइज दिस दिस इज दिस टेक आउट की ग्लोइंग बॉस लेडी लिक्विड हाईलाइटर एंड इसमें आपको uh, ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलेगी दिस इज अ प्रॉम इन पैकेज पैकेजिंग एंड ये ही आपको मिल जाएगी लिक्विड uh, लिपस्टिक भी मैट लिक्विड लिस्टिक भी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी है टोटल टू शेड्स हैं मेरे पास uh, वैसे फोर शेड्स लॉन्च करे हैं पर्पल स्टिक और की ने सो फर्स्ट शेड आपको मिल जाके सो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ इसमें क्लेम्स क्या लिखा है फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ग्लीम लाइक द स्टार यू आर एंड इसमें लिखा है ओके सो इट इज़ मिनरल ऑयल फ्री है पार्बन फ्री है टूल्टी फ्री है वीगन है एंड नेक्स्ट मिल जाएगा मैनुफेक्चर बाय मैन्युफैक्चर बाय आपको सब मिल जाएगा ई लिखा है फोन नंबर लिखा है एंड आपको मिल जाएगा नाइन एम की क्वांटिटी एंड इसका प्राइस आपको मिल जाएगा थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ की एम है बट अभी सेल चल रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है सो so आपको टू सिक्स टू सिक्सटी टू रुपीज़ में मिल जाएगा ये एंड आपको ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी फोर तक मिल रहा है इसकी शेल्फ़ फ्राइव मतलब थ्री ईर्यर्यर्यर्यर्यस आपको थर्टी मंथ शेल्फ़ फ्राइव मिल रही है तो बहुत अच्छी है मतलब ईजिली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट वाले कार्डबोर्ड पैकेज में आपको मिल जाएगा इसके इनग्रीडियडियंस सारे इंग्रीडेंस लेके यहाँ आप पर आपको चेक करना है आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं सारे इंग्रीडियंस इफ़ यू वॉन्ट टू सी ओके सो आप बता दूँ आपके मेरे पास कौन कौन से शेड्स हैं सो मेरे पास कई दो शेड्स हैं फर्स्ट मेरे पास है दिस इज़ अ ग्लीमिंग गॉडनेस जीरो सेवन एंड नैक्स्ट मेरे पास शेड है ग्लोइंग चैम्पिन एवन सो इसमें कौन कौन से शेड्स हैं मेरे टोटल चार शेड्स हैं गोल्डन क्वीन ट्वेंटी and next is dazzling star 17 third one is gleaming godness 07 and the last one uh, um ओके दिस इज़ अ ग्लोइंग चैम्पिन इलेवन सो यहाँ पे आपको प्रमोनेंट पैकेज मिल रही है जैसे लिपस्टिक की पैकेजिंग थी बिल्कुल प्लास्टिक की पैजिंग पैकेजिंग है एंड वाइट कलर का कैप मिल रहा है एंड नीचे आपको मिल जाएगा शेड नंबर एंड नेम मिल जाएगा एंड नाइना मिल की कॉन्टिटी लिखा है इसमें सो so, इससे कोई भी मतलब मैनुफेक्चर प्राइस कुछ भी नहीं लिखा है सो so, दिस इज़ अ प्रामनेंट पैकेजिंग मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है इट इज़ थिकर एज कम्पेयर टू द लिक्विड लिपस्टिक सो इसकी जो बॉटल है थोड़ी थिक है सो अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगी कि ये कैसी है एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है आप देख सकते सिर्फ यहाँ पे लिखा है स्टिक और की ग्लोइंग बहुत सीडी लिक्विड हाईराइटर बस यहाँ पे यही लिखा है ओके okay, सो so अगर आपको देखना है आउट ऑफ पैकेजिंग आप देख सकते हैं अगर आपको चेक करना उसके हो उसकी प्राइस वगैरह एंड मैनुफैक्चर वगैरह सब so वो चेक कर सकते हैं आपको दो फुट का एप्लीकेटर मिल रहा है दैट्स रियली कन्वीनियंट मतलब आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हो अपना हाईलाइटर अपने सो फर्स्ट शेड मेरे पास था दैट वॉज जीरो सेवन एंड अब नेक्स्ट शेड दिखा रही हूँ मैं आपको शैम दिस इज द ग्लोइंग शैम्पिन इलेवन सो इसमें थोड़ा गोल्डन हिंट है एंड फर्स्ट मुझे आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा Uh, एक गोल्डन में ले लिया एंड एक ब्राउन में ले लिया मुझे शायद मुझे आया एज सपोज टू मुझे दार्जिलिंग स्टार सेवन लेना चाहिए था सो so, कोई नहीं बट मैं यूज़ कर लूँगी इसे डिफरेंट वे में सो so, ये वाला कलर मुझे इलेवन ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू सेवन वन बिकॉज इसमें थोड़ा शैम्पिन द्वारा थोड़े एक पार्टिकल्स है तो मुझे ये वाले शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू दैट अब मैं इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी आप देख सकते हैं ईजिली ब्लेंड हो गया था बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था आप देख सकते हैं खुद मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी बिल्डेबिलिटी एंड आपको ये शेयर फिनिश देता है मल्टीफंशनल हाईलाइटर है लाइट वेट है इजी टू ब्लेंड बहुत इजीली ब्लेंडेबल होता है मतलब मैं खुद बोल सकती हूँ ये हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है आप चाहें तो इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं।, हैं या आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कवरेज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बिल्कुल शेयर कवरेज दे रहा है मतलब अगर आपको बनी थी और मेकअप अप्लाई करना है तो बनी थी और मेकअप भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये हाईलाइटर ही है सो मैं आप लोग को अपलाई कर अप्लाई करके दिखाऊंगी हाईलाइटर सो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था दिस वा, दिस वन वॉज ओके सो मैं यूज़ करी थी ग्लीमिंग ने जीरो सेवन शेड नंबर यूज़ किया था मैंने सो मैंने ऑलरेडी ब्लश और अपला अप्लाई कर लिया था अपने फेस पे एंड अब मैं थोड़ा सी गॉर्डिंग में अप्लाई करूँगी आई थॉट कि मैं पहले थोड़ा सा अप्लाई करके कर दिखाऊँ बट मेरे फेस पर ज़्यादा वो ग्लोइनी ग्लोइनेस नहीं आई सो मैंने क्या रहा थोड़ा और प्रोडक्ट लिया बिकॉज अच्छे से प्लेन नहीं होता बिकॉज बहुत ज़्यादा ही शेयर करवेश बहुत ज़्यादा ही शेयर करवेशी वैसे आप दीड़ी दीड़ी अगर आप लोग धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज अगर ज़्यादा हालाटर लग जाता है तो ज़्यादा वो हाईलाइटर भी अच्छा नहीं लगता है तो देख सकते हैं लिक्विड फाउंड लिक्विड हाईलाटर बहुत ईजीली ब्लैंडबल हो गया एंड जो उसकी कवरेज थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया आप देख सकते हैं खुद मतलब मुझे कोई पैचिंग भी नहीं लगी अपने मेकअप में सो इसका ना मुझे एक तो हाईलाइटर भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये कन्वीनियट था इज़िली मतलब अप्लाई कर सकते हो आप बिल्कुल जैसा वॉटरी डिडेक्शन होता है ना बिल्कुल वैसा ही डिडेक्शर था इसका ब्लैंड में सो मुझे वाला हेल्टर अच्छा लगा मैंने ईजिली आप देख सकते हैं मैंने हाथ से ब्लेंड किया सो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हाथ से भी एंड गाइस इट इज नो नास्टीज है एंड वीगन है डर्मलॉजली टेस्टेड है एंड मिनरल ऑयल फ्री है पैरविन फ्री है सो so ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसकी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फोर शेड्स लॉन्च है एंड इसका प्राइस भी मैंने आप लोग को मैंशन कर ही दिया है एंड आपको ऑफिशियली ये पोपल ऐप पे मिल जाएगा एंड मैंने क्या करा था और एज यूजल टिप ऑफ माई नोज़ अपन जहाँ पे अप्लाई करते हैं टिप ऑफ में नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से इजिली ब्रैंड हो गया था आप देख सकते हैं नोज़ पे एंड थोड़ा सा मैं क्यूबो पर अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा चिन पे अप्लाई कर लूँगी एंड जिससे मैंने थोड़ा लिप्स के ऊपर भी लगाया था बिकॉज आप जब लिप्स की ओपर लगाते ना तो लिप्सिक आप तो लिप्स जो अपलाई करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है सो आप लिप्स्यू पर भी अपलाई कर सकते हो एंड अब मैं थोड़ा ना इनाकॉर्नस भी अपलाई करूँगी थोड़े सो इना कॉनस पे अप्लाई करने से क्या होता है गाइज इना कॉनस पे आपकी जो ईजिली ना आपकी जो मेकअप आप होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ग्लोई लगता है सो एज पर मुझे वाला हेलेटर बहुत अच्छा लगा आप डेफिनी ट्राई कर सकते हो वाला हेलेटर सो एज कम्पेयर टू देट आप डि डेफिनी ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है वाला हैलेटर बेस्ट पार्ट मुझे ये अच्छा लगा कि आपको कोई ब्यूटी पेंडर की जरूरत नहीं है सो so, मुझे वाला आ, अच्छा लगे वाला ये लिक्विड हाईलाइटर एंड अगर आपको परचेज करना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट उसका हैंडल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज लव यू गाइज बाय गाइज टे सेफ